नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी माँ अन्नपूर्णा की, क्योंकि अन्नपूर्णा जयंती आ ही रही है। अन्नपूर्णा जयंती 22 दिसंबर 2018 शनिवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तो माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और समस्त जनजाति को अन्न उपलब्ध करवाकर उनकी रक्षा की थी। जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन पूर्णिमा थी और वो पूर्णिमा थी मार्गशीर्ष मास की। इसीलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर गैस, चूल्हे और रसोई की पूजा की जाती है, जिससे अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और ये पूजा स्त्रियों द्वारा ही की जाती है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को साक्षात अन्नपूर्णा माना गया है, तो इसकी पूजा भी स्त्रियों द्वारा ही होती है। तो इसकी पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और इसकी क्या कथा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती और शंकर भगवान की दोनों की इकट्ठी पूजा की जाती है। तो अब मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा की विधि बताती हूँ कि आपको कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठकर नहाकर सबसे पहले आप अपनी रसोई को साफ करेंगे, गैस चूल्हे को साफ करेंगे और गंगा जल और गुलाब जल छिड़केंगे और रसोई को बहुत अच्छे से साफ करेंगे। फिर आप रसोई में ही माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर या फोटो, अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो लाकर आप उसको रसोई में रखेंगे और उन पर तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे और रसोई गैस के चूल्हे के ऊपर एक दिया जलाएंगे, चावल बनाएंगे और कुछ मीठा बनाकर माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएंगे। ये दिया आपको सुबह भी जलाना है घी का, और शाम को भी जलाना है। इसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगी, आपको वो कथा भी करनी है। माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो आपको मार्केट में मिलेगी, जिसमें शंकर भगवान को माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में अन्न देती हुई है। दोनों की ही हमें पूजा करनी है और बड़े विधि विधान से पूजा करनी है, क्योंकि ये पूजा स्त्रियों को ही करनी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को इस दिन पूजा करना विशेष माना गया है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि किसी भी औरत को किए तो साक्षात अन्नपूर्णा है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि घर की स्त्रियां ही घर में खाना बनाती है और जिससे बरकत भी होती है और धन धान्य भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कथा इस प्रकार से है, वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। आपको भी रसोई में ये कथा जरूर सुननी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न और जल समाप्त होने लगा तो जनमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को इस संकट से अवगत कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त ऋषियों मुनियों के साथ कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए और इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। तत्पश्चात भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके उपरांत माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ली और पृथ्वीवासियों में अन्न जल वितरित कर दिया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी हर्ष के साथ माता अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। तभी से हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इसी प्रकार एक और कथा भी कही जाती है कि जब भगवान राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के लिए घूम रहे थे,
तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया था और लंबे समय तक सभी का साथ दिया था। कहते हैं जब भगवान शिव काशी में मनुष्य को मोक्ष दे रहे थे तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित जनों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती थी। अन्नपूर्णा जयंती अन्न के महत्व का ज्ञान कराती है और यह संदेश देती है कि कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए और ना ही उसे व्यर्थ करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन पकाएं ताकि अन्न बर्बाद ना हो। इस दिन लोग अन्न दान करते हैं, जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। अन्नदाता माने जाने वाले किसान भी अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। यह माह गेहूं की बुहाई के लिए अच्छा रहता है, इसलिए भी अन्नदाता माने जाने वाले किसान अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। तो ये थी अन्नपूर्णा व्रत की विधि, व्रत की कथा और व्रत का क्या महत्व है ये मैंने आपको बताया। और आज के दिन आपको व्रत भी करना होता है और इसका खाना शाम की पूजा के बाद ही खाना चाहिए, वो भी घर में मिष्ठान और पकवान बनाना जरूर चाहिए और माँ अन्नपूर्णा को जरूर भोग लगाएं और अन्नपूर्णा की पूजा आप अपनी रसोई घर में जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि पूजा किस तरीके से करनी है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये पूजा रसोई घर में ही होगी। माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो रखकर, उनको तिलक लगाकर, पुष्प चढ़ाकर और दिया जलाकर उनकी पूजा करनी है। और अगर आप चाहो तो पूरा साल माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो अपनी रसोई घर में रख सकते हैं और सुबह और शाम दीपक जला सकते हैं, जिससे आपके अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा साक्षात निवास करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।